हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करेंगे कि अगर हमको किसी ऑब्जेक्ट का कलर चेंज करना है प्रीमियर प्रो में अपनी वीडियो एडिटिंग के दौरान, तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक क्लिप रखी हुई है। ये क्लिप मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने एक पार्ट रखा हुआ क्लिप का। सो ये क्लिप कुछ इस टाइप से है। सो हम यहाँ पे जो कलर है उसको हम चेंज करेंगे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में। तो कलर चेंज करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको जो है ज्योमेट्री कलर में जाना है। अगर यहाँ पे ये आपको ऑप्शंस नहीं दिख रहा होगा तो आप विंडो में जा करके यहाँ पे ज्योमेट्री कलर को टिक कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो ज्योमेट्री कलर में जाने के बाद में बेसिकली हमको करना क्या है, हमको जाना है HSL सेकेंडरी में। यहाँ पे देखिए, ज्योमेट्री कलर में आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, बेसिक करेक्शन है, क्रिएटिव है, कर्व्स है। तो हमको HSL सेकेंडरी में जाना है। सो HSL सेकेंडरी में जाने के बाद में करना क्या है, यहाँ पे आपको जो सेट कलर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, इसमें जो है जो सेकंड वाला है जिसमें प्लस का आइकन बना हुआ कलर पिकर पे, हमको उस कलर पिकर को चेक कर लेना है। और जो है जिस कलर को भी हमको चेंज करना है, हम उस पर जा करके क्लिक कर देंगे। सो देखिए, वो कलर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद में हमको करना क्या है, इसको पूरे को अच्छी तरह से सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे देखिए, इसको जो कलर ये ग्रे लिखा हुआ है इस पर टिक करेंगे, तो ये हमको दिखाता है कि कितना ऑब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट हो रखा है। सो देखिए, अभी कुछ जगह पे आपको गैप्स नज़र आ रहे हैं। सो अगर इस कंडीशन में हम कलर चेंज करेंगे तो वो बड़ा बेकार सा दिखेगा और जो है आपको प्रॉपर उसका कलरिंग नहीं आएगी। तो उस केस में हमको क्या करना है कि हमको यहाँ पे इस ऑप्शन को टिक करके दोबारा से हमको प्लस पे लेना है। जहाँ जहाँ पे भी हमको इसको और सिलेक्ट करना है, हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हम उसको प्लस प्लस पे क्लिक करके हम उसको सिलेक्ट करते रहेंगे। सो वो क्या करेगा कि वो अच्छे से उस कलर को हर जगह पे सिलेक्ट कर देगा। देखिए, ये ऑलमोस्ट जो है सिलेक्ट हो गया है। अब इसको थोड़ा सा, इसमें आपको इसको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे ये जो है हुई सेचुरेशन जो है आपको दिखा रहा है, तो आप इसको अपनी उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी वीडियो क्लिप है या जिस भी ऑब्जेक्ट का आप कलर चेंज करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पे फाइन करना पड़ेगा, ताकि वो कलर जो है अच्छे से सिलेक्ट हो जाए। तो इसमें डिपेंड करेगा आपकी जो आपका ऑब्जेक्टिव हो उसके ऊपर में। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग इसको यहाँ पे कर लिया है। थोड़ा सा हम इसमें ब्लरनेस डाल देते हैं ताकि उसके एजेस जो है बिल्कुल फाइन हो जाए, मिक्स हो जाए उसके साथ में। सो उसके बाद में हम यहाँ पे आते हैं करेक्शन में। अब यहाँ पे हमको सिलेक्ट क्या करना है कि हमको इस कलर को किससे रिप्लेस करना है। मैं इससे इसको रिप्लेस कर देते हैं। ओके, और जैसे ही अब हम इसको हटा देते हैं ऑप्शन को, तो आप यहाँ पे जाके देखेंगे तो आपका कलर जो है ये कर देते हैं यहाँ पे इसको। तो देखिए, मैंने ये डिफरेंस देखने के लिए मैंने ये वाला कलर चूज़ किया है। तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो ओरिजिनल क्लिप थी उसका कलर और इसका कलर अब जो है चेंज हो गया है। ये देखिए, आप इसको अगर मल्टी कलर करना चाहते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर में जा करके आप एक एक कट लगा दीजिए। देखिए, मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखा देता हूँ। कंट्रोल के से आप कट लगा सकते हैं या रेजर टूल से भी आप कट लगा सकते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 5-6 कट लगा दिए और मैं सबका कलर जो है चेंज कर देता हूँ। तो देखिए, पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसका कलर मैं ओरिजिनल छोड़ देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं इसको जो है येलो दे देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं जो है इसको ब्लू दे देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके मैं जो है इसको थोड़ा ग्रीनिश दे देता हूँ। इसको सिलेक्ट करके हम इसको जो है थोड़ा ये दे देते हैं, और इसको सिलेक्ट करके हम थोड़ा सा ये दे देते हैं। तो देखिए, अब जो है अब हम इस क्लिप को चला के देखते हैं कि कैसा दिखती है हमको। ये देखिए, ये क्लिप कुछ इस टाइप से आपको दिखेगी। बीच में आपको अगर ट्रांजिशंस डालनी है इनके उसमें, तो ट्रांजिशंस के लिए मैंने अलग से वीडियो बना बना रखा है। आप वो जा करके देख सकते हैं कि ट्रांजिशंस कैसे डालते हैं। इसमें सिर्फ हम कलर चेंज कैसे करते हैं उसी की बात कर रहे हैं।